जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री महावीराय नमः जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार्थ परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग सूत्र नंबर 12 में कल देख रहे थे जगत का जो स्वभाव और शरीर का स्वभाव, संवेग और वैराग्य के लिए ये दोनों चीज़ों का स्वभाव का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आइए जगत का स्वभाव और काय का स्वभाव स्लाइडिंग के माध्यम से देखते हैं। जगत का स्वभाव यहाँ लिखा हुआ है रचना। इस जगत की रचना किसने की? अनादि अनिधन। अनादि मतलब इसका कोई आदि नहीं है और अनिधन मतलब इसका कोई अंत नहीं है। यह जगत पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इस सृष्टि का कर्ता हर्ता धर्ता कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक द्रव्यों का परिणमन का समूह जो है यह जगत है। इसके पदार्थ और भोग कैसे हैं? इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी भोग हैं इस जीव के, वो कैसे हैं? अनियत और क्षणभंगुर। नियत नहीं है, यही मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, ऐसा नियत नहीं है। और जो भी मिलेगा वो कैसा है? क्षणभंगुर है, पल पल में नष्ट होने वाला होगा। तो ऐसे ये भोग और पदार्थ होंगे। कैसा है इस जगत का स्वरूप? नाना योनियां हैं, दुख रूप हैं। इस जगत में नाना योनियां हैं, जन्म स्थान हैं, 84 लाख योनियां हैं। उसमें भी मनुष्य, त्रियंचे, देव, नारकी, इस प्रकार से 84 लाख योनियों में भ्रमण करना होता है। और कैसा है वह? जन्म मरण दुख रूप होता है। जीवन, इस जगत में जीवन कैसा है? जल के बुलबुले के समान है। जैसे जल का बुलबुला कितनी देर तक ठहरता है? बुलबुला बना और तुरंत फट जाता है। आकाश में धनुष आया और इंद्रधनुष समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यह जीवन जो है वह क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। कभी भी हमारा जीवन जो है वो नष्ट हो सकता है। तो ऐसे जगत का स्वभाव का हमें चिंतन करना चाहिए। अब आचार्य भवन ने कहा था काय का स्वभाव। देखिए ऊपर लिखा हुआ है काय। काय का मतलब होता है शरीर। शरीर का स्वभाव कैसा है? शरीर अनित्य, नित्य नहीं है। जो शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है वो शरीर सदा नित्य रहने वाला नहीं है। बालक से युवा, युवा से वृद्धापन और वृद्धापन से समाप्त हो जाता है। और जरूरी नहीं है कि वृद्धापन भी आए, बीच में भी समाप्त हो सकता है। तो ये अनित्य स्वभाव वाला ये शरीर है। दूसरा असुचि, ये शरीर जो है अपवित्र है, मल का पिटारा है, गंदगी से भरा हुआ है। इसके अंदर मांस, जो मज्जा, पीप, खून, रक्त आदि जो है ये सब इससे भरा हुआ है। तो बहुत ही असुचि है, इतना असुचि है कि उसे हम देख भी नहीं सकते हैं, ऐसा यह शरीर है। दुख का कारण है ये शरीर। कैसा है? दुख का कारण है, क्योंकि हमेशा इसके लिए कुछ भी खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ ये शाश्वत नहीं रहता है, इसलिए ये दुख का कारण है। इसी के निमित्त से कितना कर्मों का आश्रय होता है, संसार में रुकना होता है, संसार में ठहरना होता है। और निस्सार, कैसा है शरीर?
कोई सारवान नहीं है, इसमें कुछ भी सार नहीं है कि इसे हम ग्रहण कर सकें। प्रत्येक इसके अंदर के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी चीजें हैं, वो निस्वार निस्सार है, तो कोई सारवान चीज भी नहीं है। इस प्रकार से शरीर के काया के स्वभाव का चिंतन करना, संपूर्ण जगत का स्वभाव का चिंतन करना और फिर अपने शरीर का स्वभाव का चिंतन करना, इससे हमें क्या प्रकट होगा? तो इससे हमें संवेग प्रकट होगा, इससे हमें वैराग्य प्रकट होगा। संवेग किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, संसार से भय पहला, दूसरा धर्म और धर्म के फल में रुचि, इसका नाम संवेग है। संसार से भय, संसार से भय का मतलब क्या है? ये जन्म मरण जो है ये भय के कारण ही तो हैं, इसलिए हमें भयभीत होना चाहिए कि इस संसार में जहाँ कहीं भी सुख नहीं है, सुख का निशान नहीं है, लेश मात्र भी सुख नहीं है, तो ऐसे संसार में जो है हमें रहना नहीं है। इस प्रकार से जगत और संसार से भयभीत होना, ये संवेग भावना है। दूसरा क्या लिखा है? धर्म और धर्म के फल में रुचि। एक तो धर्म में रुचि होना चाहिए और एक धर्म के फल में रुचि होना चाहिए। क्या है धर्म? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जो है धर्म है। सद्दृष्टि ज्ञान वत्तानि धर्मम धर्मेश्वराभिदो, ऐसा रत्नकंडक श्रापकाचार्य में आचार्य समंत भव स्वामी ने धर्म की परिभाषा बताई है। ये धर्म है, ये हमारा आत्मा का धर्म है और इसका फल क्या है? इसका फल अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, ये धर्म का फल है। तो हमें धर्म में और धर्म के फल में जो रुचि आती है उसका नाम संवेग है। ऐसा संवेग हमारे अंदर सदा रहना चाहिए। धर्म से कभी भी अरुचि नहीं होना चाहिए, धर्म के फलों से भी कभी अरुचि नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म से यदि अरुचि हो गई तो निश्चित ही आपके अंदर अधर्म पैदा हो जाएगा, मिथ्यात्व तो पैदा हो जाएगा। कितने ही लोग हैं जैन कुल में जन्म लेकर के भी उनको जैन धर्म में रुचि नहीं है, अपने मंदिर जाने में रुचि नहीं है, पूजा पाठ करने में रुचि नहीं है, अपने गुरु आते हैं तो गुरु पर रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है। ये बहुत बड़ा इनके पाप कर्म का उदय है कि जैन कुल में जन्म लेकर के ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि देव शास्त्र गुरु पर रुचि नहीं हो रही है। जो मिथ्यात्व धर्म है, मिथ्या गुरु हैं, उन पर बहुत रुचि हो रही है, उन पर श्रद्धा हो रही है, ऐसे जीवों का अकल्याण ही है। संवेग भावना, जो सच्चा धर्म है और सच्चे धर्म का जो फल है उस पर जो रुचि प्रकट होती है उसका नाम संवेग भाव है। वैराग्य, यहाँ लिखा है वैराग्य। क्या है वैराग्य? संसार शरीर और भोगों से विरक्ति का नाम वैराग्य है। संसार से भी, शरीर से भी और भोग से भी। क्या लिखा है? देखिए, राग के अभाव होने से, राग के कारणों का अभाव होने से विषयों से विरक्त होना, यह वैराग्य है। राग जो कितने भी कारण हों, जितने भी राग के संसार में कारण हों, उन कारणों में का अभाव होना, हमारा राग उनमें प्रकट ना हो, ऐसा अभाव होने से विषयों में क्या आएगी? विरक्ति आएगी। संसार में विषय पड़े रहेंगे पर विरक्ति रहेगी, आसक्ति नहीं होने का। अथवा चारित मोहिनी कर्म के छह क्षयोपशम और उपशम से जो भी शब्द आदि स्पर्श इंद्रिय के रसना घ्राण चक्षु स्रोत पांच इंद्रिय हैं, उनके विषयों से विरक्त होना, इसका नाम भी वैराग्य है। इस प्रकार से जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करने से हमें अनेक प्रकार के आत्मा में लाभ प्रकट होते हैं। आचार्य अकलंक देव ने राजवार्तिकार में बहुत सुंदर लाभ बताए हैं। जगत और काय स्वभाव का चिंतन करने से या भावना करने वाले के अंदर संवेग उत्पन्न होता है, अर्थात धर्म और धर्म के फल के प्रति रुचि प्रकट होती है। आरंभ और परिग्रह में दोष दृष्टि गोचर होने से आरंभ और परिग्रह से विरक्ति उत्पन्न होती है। जब हम देखते हैं आरंभ और परिग्रह में दोष ही दोष हैं, तो वह दृष्टिगोचर हो जाता है हमारे लिए, पर हमें आरंभ करने का और परिग्रह रखने का भाव नहीं होता है, उससे विरक्ति पैदा होती है। इस प्रकार से हमारे 28 मूल गुण और जो उत्तर मूल गुण हैं, उन उत्तर मूल गुणों की भी भावना भाने में या उसको उत्तर गुणों को पालन करने में
परिणाम प्रकट होते हैं। इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि अनेक प्रकार के हमें आत्मलाभ मिलते हैं, इसलिए हमेशा जगत और शरीर के स्वभाव का चिंतन करते रहें और अपने संवेग और वैराग भाव में स्थिरता लाएं, जिससे अपने महाव्रत आदि और उत्तर गुण आदियों का अच्छी तरह से पालन हो सके। नमोस्तु आचार्य श्री, ये जो इस सूत्र में भावनाएं बताई हैं, ये एकांत मत वालों के लिए होती हैं या अनेकांत मत वालों के लिए? एकांत मत वाले जो जीव हैं वो इन भावनाओं का चिंतन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जगत को काय को एकांत मत से यदि हम देखेंगे तो वह वैराग और संवेग भाव हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। वस्तु जो है नित्यानित्यात्मक है, द्रव्यार्थिक नय से वस्तु जो है नित्य रूप है और पर्यार्थिक नय से वस्तु जो है वो अनित्य रूप है। एक ही समय में वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। यदि हम एक मत से देखेंगे कि जगत को मात हम नित्य ही मान लें और उसमें अनित्य ना माने तो हमारे अंदर वैराग उत्पन्न नहीं हो सकता, और इसी प्रकार से हम शरीर को मात अनित्य मान लें और उसमें नित्य परमाणुओं को ना माने तो भी हमें वैराग उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार से आचार्यों ने कहा है कि जो अनेकांतवाद वाला जो जीव है वही अच्छी तरह से जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करके अपने में संवेग और वैराग भावना को प्रकट कर सकता है, अपने भावनाओं को शुद्ध और विशुद्ध बना सकता है, सामभाव ला सकता है। अब आगे आचार्य भगवान सूत नंबर 13 कहेंगे। अभी तक हमने हिंसा से विरति यह तो भाव पड़ा, पर हिंसा आदि से विरति कैसे होना है, हिंसा का त्याग कैसे करना है जिससे हम अहिंसक हो सकें, इस भाव के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर अहिंसा आदि का लक्षण बताएंगे। 13वें नंबर सूत्र से लेकर के पांचों जो व्रत हैं उन पांचों व्रतों का यहाँ पर आचार्य भगवान लक्षण बताएंगे। सबसे पहले अपन अहिंसा का लक्षण देखें कि हिंसा विरति किस प्रकार से हमें करना है। आइए सूत नंबर 13 है 7वें अध्याय का, सभी लोग अपनी जिनवाणी में निकाल लेंगे और इसका उच्चारण करते हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण अभी किया, अब बोर्ड के माध्यम से इसका उच्चारण और इसके अर्थ को समझते हैं। सप्तम अध्याय का सूत नंबर 13, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये सूत्र का उच्चारण है। अब देखिए संधि विच्छेद होगा, प्रमत्त योगात यहाँ तातक प्रमाद के योग से, प्रमाद के निमित्त से, प्रमाद के योग से प्राण जो प्राण होते हैं उनका व्यपरोपणम वियोग करना, व्यपरोपणम मतलब वियोग करना, प्राणों का वियोग करना हिंसा, हिंसा कहलाती है। प्रमाद के योग से किसी के प्राणों का वियोग करना, प्राणों को नष्ट करना, उसे आचार्य भगवान हिंसा कहते हैं, और ऐसा नहीं करना तो उसे अहिंसा कहते हैं। प्रमत्त योगात, प्रमत्त मतलब प्रमाद, व्यक्ति प्रमाद के योग से क्या करता है, जीवों के प्राणों का वियोग कर देता है। प्रमाद किसी को पांच इंद्रियों में आसक्ति है वह प्रमाद है, स्पर्शन इंद्री में आसक्ति है, रसना इंद्री में आसक्ति है, घ्राण इंद्री में आसक्ति है, किसी को चक्षु इंद्री में और किसी को कर्ण इंद्री में, ये पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर के व्यक्ति किसी भी प्राणों का वियोग कर देता है। जैसे हम स्पर्शन इंद्री के आसक्त हैं तो स्पर्शन इंद्री में हमारी जब आसक्ति होती है तो हम ऐसे ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं
जिसके माध्यम से जीवों की हिंसा हुआ करती है। स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, जैसे मान लो कि हमको गर्मी लग रही है तो हम गर्मी को दूर करने के लिए कभी पंखा, कभी एसी आदि अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होती है, उससे जीवों की हिंसा होती है। ऐसे ही जब हमें ठंड लगती है तो ठंड को दूर करने के लिए कभी अग्नि का उपयोग करते हैं, कभी हीटरों का उपयोग करते हैं, कभी बड़े बड़े हेलोजनों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, उसके माध्यम से जो जीवों की हिंसा होती है, तो ये क्या है, हमारा प्रमाद है। हम उस समय स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हो गए और उसके कारण हमने ऐसे कार्य किए जिसके कारण किसी प्राणी के प्राणों का वियोग हुआ, तो उस समय हिंसा कहलाएंगे। हमारा वह जो प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति हमारी हिंसक कहलाएगी। इसी प्रकार से रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के, जब व्यक्ति रसना इंद्रिय के वशीभूत होता है तो ऐसी ऐसी वस्तुओं का सेवन करता है जिससे बहुत हिंसा होती है। जैसे रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के व्यक्ति शराब पीता है, मांस खाता है, मदिरा आदि पीता है और शहद आदि का भक्षण करता है, ऐसे ही रात्रि भोजन करता है, अवक्ष वस्तु का जो जमी गंध वस्तुएं हैं उनका सेवन करता है, ये क्यों किस लिए करता है, वो रसना इंद्रिय के वशीभूत है और जिसके कारण कितने जीवों का घात हो रहा है, उसकी रसना की इंद्रिय के वशीभूत होने के कारण कितने जीवों का प्राण का वियोग हो रहा है, ये सब क्या है, हिंसा है। महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारे आचरण से भी यदि हिंसा होती है तुम हिंसक हो, तुम्हारे खाने पीने से भी यदि किसी जीव की हिंसा होती है तो हम उसे हिंसा मानते हैं। तो इस प्रकार से रसना इंद्रिय के वशीभूत होकर के भी जीव प्राणों का वियोग करते हैं, वह हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ बहुत जीवों का घात हो और उससे आप अपना जीवन जी रहे हैं, महावीर स्वामी उसके लिए निषेध करते हैं, ऐसा जीवन नहीं जीना है कि तुम्हारे जीवन जीने से किसी का जीवन ही हराम हो जाए, किसी का जीवन ही नाश हो जाए, तो ऐसा जीवन जीने के लिए महावीर स्वामी मना करते हैं। सात्विक जीवन जियो, शाकाहार जीवन जियो और कम से कम वस्तुओं का उपयोग करके अपना जीवन यापन करो। नमोस्तु आचार्य श्री, जब तक हमारी इंद्रियों में आसक्ति रहेगी हम अहिंसक नहीं बन पाएंगे, अहिंसक बनने के क्या उपाय हैं? इंद्रियों में आसक्ति नियम से हिंसक परिणाम है, इसलिए आचार्यों ने कहा है श्रावक को कि इंद्रियों की आसक्ति कम करना चाहिए। सर्वप्रथम अणुव्रतों को धारण करो, जैसे अष्ट मूल गुण आपने नियम लिया कि तीन मकार और पांच दंबर का त्याग, ये प्रारंभिक अवस्था है आपकी, और सप्त व्यसनों का त्याग होना। इस प्रकार से सबसे पहली भूमिका में हमारा ये त्याग हो जाता है तो हमारी बहुत सारी इंद्रियों में आसक्ति कम हो जाती है। छोटे छोटे जो नियम होते हैं वो इंद्रियों की आसक्ति को दूर करने के लिए होते हैं। 8 साल की उम्र में जैन बच्चों को 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग करा दिया जाता है क्योंकि उसकी आसक्ति तो कम हो जाए, और रात्रि भोजन भी उसका त्याग हो जाता है। अवक्ष वस्तुएं जिसमें अनंत अनंत जीव होते हैं, ऐसे जमी कंद आदि जो पदार्थ हैं उनका भी त्याग हो जाता है, तो कितनी आसक्ति कम हो जाती है जिसके कारण महाजीव राशि की जो हिंसा होती है उससे वह जीव बच जाता है। तो देखिए